हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसकी एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 3.2। तो 3.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक के क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 क्वेश्चन उनको सॉल्व किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का 1, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ये एक इक्वेशन दिया है, दूसरा इक्वेशन ये दिया है, को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, तो इसको हमको m का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम x और y का मान निकालेंगे, उसके बाद इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका m का मान आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन जो समीकरण दिए हैं इनको हम ले लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को फर्स्ट और सेकंड मान लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम कोई एक समीकरण ले लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं समीकरण 1 से, तो एक समीकरण हमारा ये है समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये 3y इधर प्लस का है तो उधर हो जाएगा माइनस का 3y। ठीक है, उसके बाद ये 2 यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x ना, तो x बराबर क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या है, ये रहा 2 है ना, यहाँ पर x है तो x का मान ये रखना है 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, ये देखिए माइनस 4y बराबर माइनस के 24। ठीक है, ये इस वाली इक्वेशन में हमने x की वैल्यू ये वाली पुट की है यहाँ पर। ठीक है, अब इस दो से ये दो कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 11 माइनस 3y, ये माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। ठीक है, देखो 3y 4y तो माइनस के 7y, इधर है माइनस का 24, ये देखो प्लस का है, उधर हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये है हमारा 7y माइनस का, ये जुड़ जाएगा 4 × 5 और ये इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा 3, 35 माइनस का। ठीक है, ये यहाँ से कटेगा, ये यहाँ से कटेगा, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है तो कट जाएगा, तो यहाँ से 7 हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, 7 × 7 7 × 5 = 35। ठीक है, तो वाई बराबर आ जाएगा आपका 5। अब इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो हमको x का मान पता चल जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा क्या ये है, तो यहाँ पर रखते हैं, तो x बराबर 11 माइनस 3 इंटू, यहाँ पर y के स्थान पर ये 5 रखना है, बटे 2। ठीक है, अब इसको हम सिंपल कर लेंगे, तो यहाँ पर हम करते हैं x बराबर 11 माइनस 3 बची 15 और बटे में 2 है, क्या है बटे में 2। ठीक है, आप देखो ब्रैकेट हटा देते हैं, x बराबर ये घट जाएगा आपस में तो बचेगा आपका माइनस के 4, ये बटे में है 2, 2 कम 2, 2 दुनी 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा माइनस का, क्या आ जाएगा माइनस का 2, समझ में आया। तो इसको इस तरीके से करना है। अब देखिए यहाँ से हमको m का मान निकालना है, तो यहाँ पर m के लिए क्या करेंगे, y बराबर mx प्लस 3 है ना, ये तो है mx प्लस 3। उसके बाद यहाँ पर y की वैल्यू आई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं y की वैल्यू आई है 5, तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे 5 इक्वल m इंटू, x की वैल्यू अभी निकाला है तो देखो माइनस 2 आया है, प्लस का 3 है, तो 5 बराबर 5 गुणा इसे करेंगे तो माइनस के 2m, ओके माइनस के 2m प्लस 3, तो अब क्या हुआ, ये हमारा इधर है हमारा 2m, इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 2m, माइनस का 2m है, इधर आपका है 3, ये 5 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 5। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 2m बराबर, ये घट जाएगा उसमें तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका माइनस के 2। ठीक है, 2 यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, 2 × 2, तो m बराबर आएगा माइनस के 1, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगी आपकी माइनस के 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो 3 का फर्स्ट है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हल।
लिखा दो संख्याओं का अंतर, तो माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, पहले मान लिया, ठीक है। अब देखो कंडीशन वन, स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट क्या है? दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब घटाना, तो दो संख्या क्या है, एक x है दूसरी y है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है 26, तो इक्वेशन वन। उसके बाद स्थिति दो, यानी कि स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड क्या है? एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, एक संख्या मान लो एक संख्या कोई है दूसरी संख्या के तीन गुनी है, सिंपल। एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, यानी x मान लेते हैं तीन, y के तीन गुना है, तभी तो देखो x जो है y का तीन गुना है, y का तीन गुना, तीन गुणे x, तीन गुणे y, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू तो पहले से दे रखा है, अब यहां पर पुट करो, तो समीकरण एक से, तो समीकरण एक क्या है, ये रहा x माइनस वाई बराबर 26, तो x बराबर कितना दिया 3y, तो पुट कर दो x की जगह पर, यहाँ पर y है ही 26, घटा देंगे बचेगा 2y बराबर 26, दो हटेगा आ जाएगा इसके बटे में, दो कम दो ये 13, तो y बराबर क्या आ गया 13। तो दूसरी संख्या देखो आ गई, दूसरी संख्या y माना था, दूसरी संख्या y आ गई क्या है 13 है, ठीक है। अब इसका मान उठा के समीकरण नंबर किस में रख देंगे, आप इसमें रख दीजिए समीकरण नंबर दो में, तो x की वैल्यू आ जाएगी, y का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर दो क्या है, ये x बराबर 3y ना, तो x बराबर 3y की वैल्यू हमने निकाला 13, ठीक है, क्या निकाला है 13, तो y की वैल्यू हमने 13 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 39, तो x बराबर क्या आ जाएगा 39, y बराबर क्या आया है 13, तो वो संख्याएं क्या होंगी उन्हें ज्ञात कीजिए, क्या था, तो पहली संख्या हमारी होगी, पहली संख्या को हमने माना था x, तो 39, और दूसरी संख्या क्या होगी हमारी 13। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहां पर हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड है, ठीक है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो संपूरक कोण पहले दिखा है, क्या लिखा, संपूरक कोण, संपूरक कोण मतलब यह होता है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर लिखा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो यहां पर मानना पड़ेगा बड़ा कोण और छोटा कोण, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे माना बड़ा कोण एक्स तथा छोटा कोण वाई है, ठीक है, मान लिया, ठीक है। कंडीशन वन, स्थिति वन, मैंने अभी आपको बताया है, क्या बताया है कि संपूरक कोण में क्या होता है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहां पर एक कोण है x, दूसरा कोण है y, तो दोनों को मिलाने पर जोड़ने पर 180 डिग्री होता है, ये होता संपूरक कोण, ये क्या होता है संपूरक कोण के अनुसार होता है कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो स्थिति फर्स्ट, और स्थिति दो, स्थिति दो क्या है, स्थिति दो हमारे क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, जो बड़ा कोण क्या है x है, बड़ा कोण क्या है x है, तो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो यानी y प्लस 18, ठीक है, y प्लस 18, जब y प्लस 18 होगा तब वो x के बराबर होगा, छोटा कोण करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन और कुछ, अभी क्वेश्चन और करोगे तो समझ में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है ये इक्वेशन नंबर टू। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू पहले से दे रखा है, x बराबर y प्लस 18, इसको पुट कर दो इसमें, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट क्या है x प्लस y बराबर 180 ना, तो x की वैल्यू ये रहा y प्लस 18, और ये पहले से y है बराबर 180, तो वाई वाई क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, इधर आपका 180 है, इधर कोई 18 प्लस का उधर हो जाएगा माइनस का, तो 2y बराबर, इसको घटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर 10, 10 में से 8 गया बचा 2, यहाँ बचेगा आपका 7, 7 में से 1 गया बचा आपका 6, ठीक है, उसके बाद ये आपका 162 कितना बचेगा आपका 162, 2 यहाँ से टेगा आ जाएगा इसके बटे में, 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 एक कम 2
कितना आएगा 81, तो y बराबर कितना आएगा 81 डिग्री। ओके, यानी कि छोटा कोण क्या है 81 डिग्री है। अब इसके वैल्यू उठा के रखो समीकरण नंबर आपका ये सेकंड में, तो समी y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण नंबर थर्ड ये रहा x बराबर वाई प्लस 18, तो x बराबर y की वैल्यू क्या है 81 आई है और ये है आपका 18। तो यहाँ पर अभी देखेंगे कि 18 डिग्री अधिक है ये, ठीक है। यहाँ पर देखो y में 18 जोड़ेंगे तब x के बराबर होगा, तो इसको ऐड करो तो 8 × 1 = 9 और ये 1 और ये 8 हो जाएगा आपका 9, 99 कितना हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 81 में यानी छोटे कोण में जब आप कितना जोड़ेंगे 18 जोड़ेंगे तभी आपका x की वैल्यू आ पाएगी। देखो ये कितना आ गया है 99 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि बड़ा कोण आपका 99 डिग्री है तथा छोटा कोण आपका 81 डिग्री है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।